अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना हूँ उस्मान वजीर, सेफ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेफ गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी फूड स्टेप्स इन पाकिस्तान एंड खोरे सच संताली देव शावरी सिंह, तमाम पेजेस के नाल मैं थोड़ा अपना हूँ उस्मान बाबा जी। आज मैं कहूँगा कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान के अंदर इतना रिच हेरिटेज मौजूद है। देखिए, मैंने सेठी साहब का घर दिखाया, ये उसी फैमिली का जो है वो दूसरा घर है, और क्या बात है इन घरों की, तमाम वुडवर्क है, मुकम्मल वुडवर्क है, वुड के अलावा कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी जो लगी हुई है दीवारों के ऊपर। मैं कहता हूँ कि इतना बारीक वुडवर्क है कि मैंने लाइफ में इतना बारीक वुडवर्क नहीं देखा, और सुना है कि 1800 कुछ में ड्यूरिंग जो है सिख एम्पायर में ये सेठीज जो हैं बहुत रिच लोग थे, और इन्होंने पूरे जंगलात ख़रीद के इससे एक मस्जिद और तकरीबन अपने 10 घर बनाए हैं। 10 घरों में से एक घर मैंने आपको दिखाया और ये दूसरा घर है, इसे गवर्नमेंट ने दोबारा रीमेंटेन किया है प्रॉपर तरीके से, इसकी मैं आपको डिटेल एक तरफ से दिखाऊँ। ये देखें आप, वुड का वर्क देखिए, ज़रा नफासत देखें इसकी, सेम लक उमर हयात महल, ये देखिए इस सेंटर में फाउंटेन है, चारों तरफ कमरे हैं, चारों तरफ में शीश महल की तर्ज का काम हुआ हुआ है। देखें आप, कलरफुल ग्लासेस यूज़ किएंगे, आप देख रहे हैं सिटी हाउस, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन किया हुआ है, और बाकायदा इस पर टिकट है, फोटोग्राफी पे भी टिकट है इसकी। लेकिन कमाल है जी, जो काम हुए में कमाल काम हुए में इसके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत है। रोशनदान देखें आप, ये अंडरग्राउंड चैम्बर्स के लिए है, एक सीढ़ी भी लगी हुई है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत अंडरग्राउंड चैम्बर भी हैं इसके। आपको मैं शीश महल टाइप जो है वो रूम्स दिखाता चलता हूँ। सर इसकी लाइट जला दें जरा, एक मिनट, इसकी लाइट से मतलब से देख सकते। ये अब देखिए, मुस्लिम आर्किटेक्चर का फन पारा, बहुत ही
बहुत ही रियर वर्क है जो शायद इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया कि पाकिस्तान में शायद बहुत कम, बहुत नॉन रियल है। मैं इतना कहूँगा कि मैंने नहीं देखा। सिटी हाउसेज में तमाम में ये बना हुआ है और इसको बनने में 30 साल लगे हैं। पहला सिटी हाउस दिखाया तो 40 साल लगे थे, इसको 30 साल लगे हैं। छतों का काम बिल्कुल अमेजिंग है, इससे पहले इतनी खूबसूरत मैंने छतें जो थी। मैंने नहीं देखी और ना ही मैंने दिखाई हैं। ब्यूटीफुल वुडवर्क है। ये आप देखिए, साइड कैमरा का स्केच नहीं कर पा रहा। देखिए कलरफुल शीशे इसके, और ये इसका जो अंदाज था दरवाज़ों का, मैं वो आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये कलरफुल क्यों यूज़ किए जाते थे शीशे। देखिए रेनबो जो थी बनती थी इसके साथ। ये देखिए किस कदर बहुत नफासत के साथ और बहुत बारीक करके काम किया गया। सेठी हाउसेस देखने के लायक हैं, ज़रूर विज़िट कीजिए। रूम नंबर 2, ये देखिए इसकी छत मरम्मत की है। जब वो लोग मेंटेन नहीं कर पाए तो उन्होंने गवर्नमेंट को सेल कर दिया है। फिर ये वही इंटीरियर पीसेस को रखने के लिए जगह, जो फायरप्लेस, दूसरे सिटी हाउस में वो गोल्डन कलर में बना हुआ है, गोल्डन पेंट के साथ बहुत ही खूबसूरत है। ये रूम्स हैं, साइड चैम्बर, और इसकी छत का अंदाज अपना ही है। ये देखें आप डिफरेंट टाइप से, आज का दिन बहुत थका देने वाला है। लेकिन बहुत कुछ देखने को मिला है जो मैंने पहले नहीं देखा था। और आज पूरा दिन मैंने विदाउट ऑफ ब्रेकफास्ट काम शुरू किया है। शाम के 6 बज गए हैं, सिर्फ पानी भी गुजारा कर रहा हूँ। सिटी हाउस द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, और मैं हूँ आपका अपना हूँ सावर जी, और आज आपको लेकर आए हैं पेशावर में। और पेशावर में जो पेशावर गवर्नमेंट ने इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके अब पब्लिक प्लेस के लिए इसको ओपन कर दिया है, एज ए टूरिस्ट प्लेस है। पेशावर आए तो ज़रूर देखें, अल मशहूर सेठियों का मोहल्ला, सेठियों के घर, सेठियों की मस्जिद, ये इस घर की तिजोरी, बहुत मजबूत तिजोरी है। ये देखें आप वो नीचे सीक्रेट चैम्बर, और ये सारा कुछ पैसे वैसे रखने की जगह थी। और जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये है
तो ये बड़ा रियर वर्क है ये गिलास का जो ये वाला किया हुआ है। ये कुछ ऑल्ट्रेशन किए बाद में रिपेयर की गई है। ये देखें आप जब ये बना होगा तो क्या आलम होगा इसका खूबसूरती का। आज ये इतना खूबसूरत है, आज ये मेंटेन करने के बाद ये इस तरह है, तो जब नया बना होगा तो तब कितना प्यारा होगा। मैं आपका अपना हौसल बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। ये वाकई में सेव की गई है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे देख के कि ये प्लेस जो है इसको प्रॉपर सेव किया गया है। ये वही रेनबो कलर में रोशनदान है। अच्छा ये बहुत बारीक किस्म का आर्ट है, ज़रा डिम है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तीन हिस्से मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं चौथे की तरफ जा रहा हूँ अब। लेकिन इसकी जो जो छत है वो सबसे डिफरेंट है, बिल्कुल बारीक काम है। और आप देखिए ये छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं इसके ऊपर ना, और क्या खूबसूरत है। फिर वही शीश महल स्टाइल जो है, ये हर कमरे के अंदर जो है वो बना हुआ है, जो कि डेकोरेशन पीसेस के लिए है। बहुत खूबसूरत है ये और मुझे बहुत पसंद आया। और ये गुरपाल बाबा जी जो हैं वो मुझे यहाँ तक लेकर आए, और ये सारा कुछ इसके लिए मुझे उन्होंने इनवाइट किया था कि आप पेशावर हैं और पेशावर को हम रियल पेशावर को दिखाएं आपको। तो वाकई में हमने रियल पेशावर जो है वो देखा है कि पेशावर वाकई ही पेशावर है, लेकिन पश्तों में कहते हैं पेखावर पेखावर देखा ना, शायद पहले मैं ना मानता हूँगा, लेकिन आज ये मैं देख के मैं ये कह सकता हूँ जैसे लाहौर लाहौर है इस तरह पेखावर इज़ अ पेखावर का ना। तो ये बात बिल्कुल 100% साबित हो गई कि पेशावर जैसा भी शहर कम ही मिलेगा आपको। ये आप देखें ये वही दियों वाला सिस्टम जो है उन्होंने किया हुआ है, और ये इस हवेली को वाटर चैनल जो सिस्टम था उसका ये इस तरीके से किया गया। ये देखें यहाँ से पानी डाला जाता था हवेली के लिए, और ये कुआं है और ये मटके रखने की जगह है। ये देखें आप इधर तीन मटके रखते थे और यहाँ पे पानी डाला जाता था दो बाथरूम्स के लिए, या आगे जो चैनल्स उन्होंने बनाए हुए थे बाथरूम के लिए वो इस तरह थे। और ये कुएं को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है कि हर फ्लोर तक जो है वो इसकी रसाई है। ये घर का वेल है और ये ऊपर फोर्थ फ्लोर तक जाता है। ऊपर देखिए जहाँ से भी आप चाहें बाल्टी डालें और पानी निकालें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और साथ साथ ये नीचे उतरने के लिए जगह भी बनी हुई है कि अगर आप प्रॉपर इसको सफाई करनी है या जाना है तो इसको साफ करने के लिए भी जगह बनी हुई है। मैं अब आपको ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पहले देख लें फिर ऊपर चलते। हाँ ऊपर चलते हैं। मैं अपनी लाइफ की खूबसूरत तरीन जगह देख रहा हूँ, और मुझे ये देखें ये जो बाथरूम का सिस्टम का आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर भी इसी तरह है, पानी डाला जाता है और वो जिस फ्लोर में रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर चला जाता है। ये देखें ये देखिए सीलिंग बहुत ब्यूटीफुल मुगल आर्किटेक्चर। कोई आया
ये आप देखिए फिर collapses or I think छत बहुत खूबसूरत है लेकिन लाइट कम है. देखिए फायरप्लेस क्या हुआ ये देखिए आप बड़ा प्यारा ये बर्तन या कोई चीज़ अलमीराज वगैरह रखने की ये जगह है. ये देखें आप वही कितना खूबसूरत ये बना हुआ है. बहुत कम जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं. ये कोई स्पोर्ट है नीचे लकड़ी की बिल्कुल शाही महल के तर्ज पे बनी हुई ये हवेलियाँ ये पैलेस हैं जो कि शायद अब पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई इस तरह के घर बनवाता होगा या इतने शान शौकत से रहता होगा जितना कि ये सेठियों ने ये घर बनवाए हैं. और अमेजिंग सैल्यूट है उन आर्किटेक्ट्स को सैल्यूट है उन हैंड्स को जिन्होंने ये बनाया. ये देखें आप वो फाउंटेन यहाँ से मैं एंटर हुआ था. ये चारों रूम्स मैंने आपको दिखाए हैं. ब्यूटीफुल जो वर्क है इसका वो देखने का मज़ा आ जाता है कि आप ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में नहीं है किसी और जगह पे पहुंच गए हैं आप. अमूमन ऐसे इंडियन मूवीज़ के अंदर महल नज़र आते हैं. देखिए और थोड़ी सी मज़े की ये एक और चीज़ है. डिफरेंट डिज़ाइन है. आज तक मैंने आपको गुरुद्वारे दिखाए मंदिर दिखाए लेकिन कुछ मैंने मुस्लिम आर्किटेक्ट भी दिखाए हैं बीच में. और ये आप देखें ब्यूटीफुल तरीन जो है हवेलीज जो हैं महल जो हैं सेठियों के वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. और क्या बात है इनकी और क्या रख रखाव है. एक बार बंदा देखता है तो देखता ही रह जाता है. ये कुछ छोटे रूम्स हैं कुछ बाथरूम्स हैं. इस तरफ से मैं दाखिल हुआ हूँ और ये अपनी तरह का ब्यूटीफुल किस्म का शीश महल टाइप जो छत है बहुत कम ही देखने में मिलते हैं ऐसी जगह. इसको तोड़ के जो है वो चेंज कर दिया गया है. इनविटेशन कार्ड ऐसे हुआ करते थे. ये वही शीश महल का स्टाइल भी मैंने आपको बताया. चरणजीत भाई भी मेरे पास पहुंच गए हैं पिशावरी सिंह वाले. ये आप देखें ये रोशनदान है और ये ऐसे रोशनी आती थी और खूबसूरती इसकी बनती थी इसके साथ. लेकिन ये शीशे का बहुत रिय जो वर्क है अब छत के ऊपर मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम चीज़ें देखने में आती हैं अब इस तरह की जो ये नज़र आ रही हैं. शाम के ढलते सहे और आज की ये मेरी रिसर्च पेशावर की संगत के नाम. ये तमाम आज पेशावरी सिंह की पूरी टीम जो है वो मेरे सामने हैं. चरणजीत बलबीर मीत और गुरपाल बाबा. ये देखें जी आप
चरणजीत जी पाकिस्तानी हमारे, रणबीर कपूर हैं मीत भाई, और उसके पीछे गुरपाल बाबा और उस्ताद जो हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, बलबीर सिंह, ये तमाम जो हैं पिशावरी सिंह, जो आपने पेज देखा है पिशावरी सिंह, ये तमाम संगत जो है वो पिशावरी सिंह की है। तो मीत भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, ये महल आपने दिखाया, शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, लोगों को पता चले कि कैसे लोग रहते थे पिशावर में, और भी पिशावर में बहुत ऐसी जगह है जहाँ अभी पहुँचना नामुमकिन भी है, क्योंकि ये पठान फैमिली बेसिकली ना घर में बिल्कुल पर्दा जो है वो पर्दा करती है, लेकिन यहाँ पे 10-12 घर हैं सिटियों के, और कहते हैं कि देखने के काबिल हैं वो। हम शुक्रिया अदा करते हैं इन महकमे का जिन्होंने हमें इजाज़त दी 4 बजे के बाद भी, स्पेशली थैंक्स टू। तो मीत भाई सुनाए, सब ठीक है? गुरपाल और बलबीर तो मेरे साथ सुबह से हैं जो है, और चरणजीत स्पेशली अपनी दुकान बंद करके मेरे लिए पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि पेशावर की संगत आप हमें दिखाएं, आज मैंने पूरा दिन पेशावर की संगत के साथ गुजारा है, अभी इंटरव्यू भी होंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन अभी मुझे देखना है इस हवेली का बेसमेंट। अच्छा जी, छत पे भी क्या है? छत पे कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है, छत पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात सुने, ये बैठक है ना? जी जी, ये इसके नीचे अंडरग्राउंड चैम्बर हैं, इसी तरह जैसे ऊपर कमरे हैं इसी तरह नीचे हैं, लेकिन उनको दिखाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि यहाँ पर नीचे लाइट कम है, और लाइट कम होने के बायस जो है इसकी जो अंदर ना कोई काम हुआ हुआ है, जस्ट पिलर्स हैं और नीचे बने हुए हॉल है। और मैं जो आपको दिखा रहा हूँ आज, ये मैं दिखा रहा हूँ सिटी हाउस। एक सिटी हाउस पहले मैंने आपको दिखाया जिसका तो जवाब नहीं है, और इसके वुडवर्क का भी कोई जवाब नहीं है, और ना ही कोई जोड़ है। मैं आपका अपना हूँ बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, पेशावरी सिंह, तमाम पेजेस के साथ मैं आपका अपना होस्ट हूँ बाबा जी। देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, और वाकई में ये प्लेसेस जो हैं इनको सेव किया जा रहा है, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है, और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फुटस्टेप नज़र आया है मुझे गवर्नमेंट का।